हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली और पाखीदेर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड बात किया रिलेटेड सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके देखना, क्योंकि मार्केट का वीडियो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। फ्रेंड आज मैं आप लोगों को मेरे ये जो पाइनएप्पल कॉर्नर है ये बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था, इसको मैंने कैसे ठीक किया वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इसका कंडीशन क्या था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और धीरे धीरे इसको कैसे मैंने ठीक किया वो भी दिखाऊंगी। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड जो खाना चाहकर खाते हैं वैसा कोई भी दिख नहीं रहा है, खाना खाने का कोई भी इच्छा बर्ड को नहीं है। बर्ड यहाँ पर माउथ से सांसें ले रहा है और सांसों से आवाज भी आ रहा था। सोने के टाइम भी ये माउथ से सांसें ले रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। और देखिए दूसरा बर्ड एकदम ठीक ठाक है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी पैर का कंडीशन देखिए, यहाँ पर बर्ड जो है पैर से मेरे उंगलियों को ग्रिप नहीं कर रहा है और बर्ड जो है ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है और चल भी नहीं पा रहा है। स्वस्थ छोटे बेबी कैसे चेक करते हैं वो मुझे पता है, लेकिन मैंने जिससे बर्ड लिया वो बड़े बर्ड अच्छे से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको ना छोटे बर्ड जो है वो चेक करना आता नहीं है। मुझे ये बात पता नहीं था इसलिए मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और जो बर्ड है वो उसको मेरे घर पे लेकर आने को कही। लेकिन जब वो बर्ड ले आए तो उसका हालात बहुत ही ज्यादा बुरा था। उसने कहा उसका जो ओनर है वो उसको हैंड फीड दे रहा था, क्योंकि जो बर्ड है उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं खिलाया। कोई भी बर्ड की मम्मी पापा अगर उसके बच्चे को नहीं खिला रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो छोटे बर्ड है उसका तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए सुबह से इस बच्चे को उसके मम्मी पापा ने नहीं खिलाया और जो ओनर है उसको जबरदस्ती जो है हैंड फीड खिलाना चाह रहा था। इसका मतलब बर्ड का जो कंडीशन था वो पहले से ही खराब था और जो मुझे बर्ड दिया उसको चेक करना नहीं आता है, इसलिए उसने चेक नहीं किया और मुझे वो बर्ड दे दिया। और ये जो आप बर्ड का पैर का कंडीशन देख रहे हो ये आने के टाइम भी खराब हो सकता है, क्योंकि जो डानकुनी रहता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बम्पर रहता है और वहाँ पर बाइक से आया ये बर्ड तो थोड़ा सा उससे भी बर्ड का जो पैर है वो खराब हो सकता है। लेकिन जो और कंडीशन मुझे देख रहा था वो पहले से ही था। कोई भी बुरा बर्ड मेरे पास आए तो मैं उसको कभी भी फेंकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस बर्ड का जान का कीमत बहुत ही ज़्यादा है। मैं जानती हूँ पाइनएप्पल कॉर्नर का प्राइस भी काफ़ी हाई है, वो मैंने लिया फिर भी वो खराब कंडीशन में आया और मेरा मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और मैंने इस बर्ड को पूरा ठीक करने की कोशिश किया। इस ट्रीटमेंट में मैं इंसान का एक मेडिसिन यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास कम बर्ड है, मैं ज़्यादातर इंसान का ही मेडिसिन यूज़ करती हूँ। और जो एक इंसान का मेडिसिन होता है वो आप खरीद कर ले आओ तो वो जो टैबलेट होता है वो आप 5-6 दिन तक यूज़ कर सकते हो, उसका खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है, 5 या 10 रुपये, और इससे आपका जो बर्ड है वो स्वस्थ हो जाएगा, खर्चा भी काफ़ी कम आएगा। मैंने यहाँ पर मॉक्स टैबलेट का यूज किया जिसका जेनेटिक नाम है एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि इंसान की काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए काम आता है। ये मेडिसिन कानों का इन्फेक्शन, गलों का इन्फेक्शन या फिर किसी इंसान को ठंड लगे तो भी दे जाते हैं ये मेडिसिन। ये बेबी बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम था और सांसों से आवाज़ भी आ रहा था, इसलिए यही मेडिसिन देना इसको मुझे ठीक लगा। इंसान की मेडिसिन ऐसे छोटे बर्ड को मैं कैसे दे रही हूँ वो ही मैं दिखा रही हूँ। एक मेडिसिन को मैंने ऐसे 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसमें से एक पार्ट मैंने निकाल लिया, बाकी जो पार्ट रहता है वो बाद में यूज़ करना है।
बेबी बर्ड को मेडिसिन खिलाने के लिए ऐसे एक ड्रॉपर का यूज करना चाहिए। छोटे हैंडफीडेड बेबी को हमेशा ही ऐसे हैंडफीडिंग के साथ ही मेडिसिन मिलाकर खिलाना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट मेडिसिन नहीं खिलाना चाहिए। 8 पार्ट मेडिसिन से 1 पार्ट निकाल कर 1 चम्मच हैंडफीड में मिलाना चाहिए, बाकी जो मेडिसिन रहता है वो बाद में यूज करना है। हैंडफीड के साथ मेडिसिन अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद मेडिसिन वाला हैंडफीड को ड्रॉपर में ले लेना है। इसमें से 2 बूंद बर्ड को खिलाना है भरे पेट में। कॉर्नर कॉकटेल जैसे साइज के बर्ड को ये जो हैंडफीड वाला मेडिसिन है ये 2 ड्रॉप देना चाहिए। फिंचेस, बजीस, जावा और लव बर्ड को ये जो हैंडफीड वाला मेडिसिन है ये 1 ड्रॉप देना चाहिए। मकाओ ग्रे बर्ड हो तो ड्रॉप और भी ज्यादा देना पड़ेगा। मॉक्स खिलाने से मेरे बर्ड्स का 1 दिन पे ही इम्प्रूव दिख रहा था, इसलिए मैंने मॉक्स को 3 दिन कंटिन्यू किया और इससे मेरा बर्ड जो है वो ठीक हो गया। 3 दिन मैंने 2 बार करके मेडिसिन मेरे बर्ड को खिलाया। अब चाहो तो इस एंटीबायोटिक का यूज 3, 5 या फिर 7 दिन तक कर सकते। और मैंने यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका का यूज किया क्योंकि पैर पर चोट आ गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने आर्निका 30 का यूज किया। होम्योपैथिक मेडिसिन खाली पेट में बर्ड को देना चाहिए। छोटे हैंडफीडेड बेबी को मेडिसिन हमेशा हैंडफीड के साथ ही मिलाकर खिलाना चाहिए, इसलिए 1 चम्मच हैंडफीड में 1 ड्रॉप जो आर्निका है वो मैंने दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ड्रॉपर में मेडिसिन वाला हैंडफीड ले लेना है और ड्रॉपर की मदद से बर्ड को खिलाना है खाली पेट में क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। फिंचेस, जाबा, बजीस, कॉकटेल, लाबर्ड, कॉर्नर साइज के बर्ड के लिए ये मेडिसिन वाला हैंडफीड का 1 ड्रॉप ही काफी है। मैकाओ ग्रे बर्ड को ज्यादा ड्रॉप देना पड़ेगा। ये जो आर्निका मेडिसिन है ये मैंने मेरे बर्ड्स को 5 दिन तक दिया, दिन में 1 बार करके। और फिर मैंने यहाँ पर होम रेमेडी भी किया। कच्चे हल्दी का रस 3 या 4 बूंद हैंडफीड के साथ मिलाकर मेरे बर्ड्स को मैंने खिलाया दिन में 1 बार। ये हल्दी वाला हैंडफीड मेरे बर्ड को 2 दिन खिलाया दिन में 1 बार करके। कच्चे हल्दी ना मिले तो आप पाउडर हल्दी का भी यूज कर सकते हो। इससे बर्ड का जो हालत है वो काफी ठीक हो गया। ये जो हल्दी का रस होता है वो वीक पे 2 बार देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, दिन में 1 बार करके हैंडफीड के साथ मिलाकर। ओके, ज्यादा हल्दी का जो रस है वो देने से बर्ड का जो पेट है वो खराब हो जाएगा। अगर बर्ड का पेट खराब रहे पहले से तो हल्दी का यूज नहीं करना चाहिए। और छोटे बेबी बर्ड को मल्टीविटामिन तो देना ही चाहिए, A to Z और पॉलीबियन एलसी, ये दोनों मल्टीविटामिन मेरे बर्ड्स को मैंने दिया।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाट केयर रिलेटेड वीडियो, बाट क्यूट वीडियो, बाट वाइज अपडेट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को सबके साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, टाटा।